राजद का शिष्टमंडल तेजस्वी यादव के निर्देश पर वैशाली में जिंदा जलाकर मारने मामले में जानकारी लेने और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए चांदपुरा के रसूलपुर हवेली पहुंचा। शिष्टमंडल में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन, जिलाध्यक्ष वैद्यनाथ चंद्रवंशी समेत 11 राजद के पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही सरकार जवाब दे कि ऐसी घटनाओं पर उनका क्या स्टैंड है। हम लोग आके यहाँ पे मुआयना किए, पीड़ित परिवार से मिले हैं। पीड़ित परिवार का जो मांग है उनके साथ हम लोग खड़े हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिए है सुशासन, वो सातवीं बार नहीं 70वीं बार कर ले, लेकिन कुशासन का सरकार है। किस हद तक आप लोग जाएंगे न्याय मिलने को? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इनके साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इनको न्याय दिलवाएंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। घटनाएं काफ़ी दुखी है, दुखद है। ये घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। बिहार की सरकार सुशासन की बात करती है और बार बार लोगों को झूठ मूठ करके जंगल राज बात करते हैं। और जंगल राज की परिभाषा वो समझते ही नहीं है। जंगल राज वह जंगल राज था जिन गरीबों को सम्मान नहीं मिलता था, उसको सम्मान मिला। वो जिस जंगल राज की बात करते हैं उन गरीबों को अधिकार मिला जो कभी ब्लॉक और थाना नहीं देखा था, वहाँ जाने का काम किया। और आज ही बात करते हैं मंगल राज की। ये कैसा मंगल राज कि गुलनाज नाम के की जो कि बेटी है, इसको जो है कि घर के सामने पुलिस और पुलिस के सामने और जो है कि इसको जिंदा जला दिया जाता है और इस तरीके कारनामा की जाता है और अभी तक लोग इसमें गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। ऐसे परिस्थिति में कैसा सुशासन है? इसको कौन राज कहेंगे? हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से, बिहार के डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं। ये क्राइम हो रहा है, इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू हैं और वो जानते हैं कि गुलनाज को सही से मान लेते हैं कि सम्मान मिले, तो सीएम को भी एक बार यहाँ पर आना चाहिए।